नमस्ते, वेलकम टू नोइटेक फैमिली। मैं तीर्थ, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं हम उसी में क्या मिस्टेक कर लेते हैं कि हम इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते। तो आज मैं वो 10 मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ कि इंटरव्यू के टाइम हम क्या क्या मिस्टेक करते हैं। मेरा ये चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए। जैसे ही मैं ऐसे कुछ टेक्निकल वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन जाता है तो आप लोग मेरा वीडियो इजीली देख पाएंगे। मेरा ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है, आपको बहुत सारे नॉलेज मिलने वाला है। आप कैसे इंटरव्यू क्रैक करें, क्या क्या गलतियां इंटरव्यू में करते हैं वो नहीं करें, ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा ये वीडियो पूरा एंडिंग तक देखिए। मैं ऐसे तरह मेरा टेक्निकल वीडियो और टेक्निकल डिटेल्स इंस्टा आईडी पे अपलोड करता रहता हूँ, मुझे आप उधर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा का आईडी है तीर्थन उइटे। चलिए अभी वो 10 मिस्टेक्स के ऊपर बात करते हैं जो हम इंटरव्यू में गलती करते हैं। पहला पॉइंट रहता है अटेंडिंग इंटरव्यू ऑन टाइम। बहुत सारे ऐसे बंदे रहते हैं, इंटरव्यू का जो टाइमिंग रहता है वो डिले पहुंचते हैं, परफेक्ट टाइम में नहीं पहुंचते, तो वो गलतियां नहीं करना है हमें। आधा घंटे पहले वो लोकेशन में पहुंचना है, उधर क्या है, क्या रहता है, प्रोसेस वगैरह सब जानना है, थोड़ा प्रोसेस करना है, क्या क्या टेक्निकल हो सकता है वो कंपनी के बारे में। उधर जाने के बाद पता चलता है कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या कंपनी की प्रोफाइल है, और बहुत सारे कैंडिडेट भी दूसरे आए होंगे उनसे भी थोड़ा डिस्कस करके हमें आइडिया मिलता है कि क्या क्वेश्चन आंसर आ सकता है। आजकल ऑनलाइन इंटरव्यू का ट्रेनिंग है, ऑनलाइन में आपको इंटरव्यू देना है, गूगल मीट हो, माइक्रोसॉफ्ट टीम हो, कौन सा भी ऑनलाइन इसमें इंटरव्यू देना है तो 10 मिनट पहले आप आके लॉगिन वगैरह करके थोड़ा सा साइलेंट होके वो सब ब्रशअप कीजिए, कंपनी के प्रोफाइल दिखिए, क्या क्वेश्चन आंसर रहेगा, क्या पूछ सकते हैं उसी के बारे में थोड़ा डिटेल्स उसके ऊपर स्टडी कीजिए। साइलेंटली 5-10 मिनट बैठिए, देन जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है आप इंटरव्यू दीजिए। सेकेंड पॉइंट है इंटरव्यू ड्रेस कोड। बहुत सारे बंदे क्या रहते हैं, कुछ भी ड्रेस पहन के चले जाते हैं, जीन्स के ऊपर टी शर्ट पहन के चले जाते हैं, बट आप कुछ टेक्निकल इंटरव्यू देने जा रहे हैं कि मार्केटिंग, HR, IT जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आप एक प्रोफेशनल ड्रेस कोड फॉलो कीजिए। ब्लैक कलर की ट्राउजर पहन लीजिए, लाइट कलर की कोई शर्ट पहन लीजिए, आपको ब्लेजर वगैरह पहनना है कि टाई वगैरह पहनना है तो पहन सकते हैं, डिपेंड अपन क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है, उसी के हिसाब से आप ब्लेजर पहन सकते हैं, टाई पहनना है तो टाई पहन सकते हैं, नहीं तो फॉर्मल एक शर्ट एंड ट्राउजर भी पहन सकते हैं। आप जो शूज पहनेंगे ब्राउन कलर या ब्लैक कलर रहेगा, वो फुल पॉलिश रहेगा, प्रॉपरली ड्रेस कोड के साथ आप इंटरव्यू देने के लिए जाइए। इंटरव्यू जाने के टाइम जो फर्स्ट इम्प्रेशन रहता है वो अच्छा रहता है तो लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा जाता है, आपका यही लुक ही रिक्रूटर को इम्प्रेस करता है, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट ऐड होता है आपका प्रोफाइल और आपको सिलेक्ट करने के लिए। फिजिकली इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आप प्रॉपरली ड्रेस कोड फॉलो कीजिए, नहीं तो आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं तो एक फॉर्मल कलर का शर्ट भी पहनेंगे तो अच्छा रहेगा, सारे इंटरव्यू के लिए वो एप्लीकेबल रहता है, तो एक प्रोफेशनल लुक के साथ इंटरव्यू देंगे तो आपका इंटरव्यू ज़्यादा पॉजिटिव वे में जाता है। थर्ड पॉइंट है इम्प्रेसिव रिज्यूमे, क्योंकि रिज्यूमे जो है उसी में ही हमारा कैरियर क्या है, हमारा एक्सपीरियंस क्या है, हमारा एजुकेशन क्या है, सारे डिटेल्स पता चलता है। हमारा ये जो रिज्यूमे है थोड़ा उसको अट्रैक्टिव रखिए। रिज्यूमे कैसे बनाना है मैंने बताया है, आप वो मेरा चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। रिज्यूमे क्यों रिजेक्ट होता है उसी के बारे में भी बताया है मैंने, बहुत सारे पॉइंट मैंने क्लियर किया है, आप उसको फॉलो करने के बाद आपको आइडिया आएगा, आप एक अच्छा रिज्यूमे बना के इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं। जो एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट है आप वो एक्सपीरियंस डिटेल मेंशन कीजिए, जो फ्रेशर है उनका प्रोजेक्ट्स वगैरह मेंशन कीजिए, नहीं तो आप कोई इंटर्नशिप वगैरह किए होंगे वो डिटेल्स आप मेंशन करेंगे तो रिक्रूटर उसी के ऊपर फोकस करता है और आपको कितना नॉलेज है उसी में से आइडिया आता है, उसी में से क्वेश्चन पूछते हैं, आपको डिटेल्स नॉलेज रहेगा तो 100% चांसेस रहता है सिलेक्शन होने के लिए। फोर्थ पॉइंट है फोन एट साइलेंट मोड। आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो फोन आपका रिंगिंग मोड में रहेगा तो आप उसको साइलेंट कीजिए, नहीं तो क्या रहता है आप जब इंटरव्यू देते रहते हैं उस टाइम पे कॉल आता रहता है तो रिंगिंग होता है तो आप भी डिस्टर्ब होते हैं, रिक्रूटर भी डिस्टर्ब होता है, तो आपका कुछ अलग अलग रिंगटोन रहेगा तो उसी में जो इंटरव्यू का जो एनवायरनमेंट है वो खराब होता है। तो इसलिए पहले क्या कीजिए, आप जैसे ही इंटरव्यू जाते हैं उससे पहले आप उसको साइलेंट कीजिए,
नहीं तो आपको स्विच ऑफ करना है तो फोन को स्विच ऑफ कर सकते हैं, जिसके वजह से आपको कुछ भी कॉल आता है तो आपको इंटरव्यू के टाइम कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होगा। रिक्रूटर जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर देके इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है बैड कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन गैप। बैड कम्युनिकेशन क्या है? आजकल आप इंडिया में कोई भी प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा टेक्निकल हो कि थोड़ा प्रोफेशनल हो, उसे इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो इंग्लिश को पहले प्रायोरिटी रखा जाता है इंटरव्यू देने के टाइम। बट कुछ कुछ इंटरव्यू ऐसे रहता है जहाँ पे टेक्निकल दिखा जाता है तो खुद के मदर टंग नहीं तो रीजनल लैंग्वेज में इंटरव्यू रहता है, नहीं तो हिंदी में भी इंटरव्यू रहता है। मैक्सिमम इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू रहता है, हिंदी में भी हो जाता है नहीं तो रीजनल लैंग्वेज में हो जाता है। तो आपका जो आंसर है परफेक्ट होना चाहिए, लैंग्वेज की कुछ मैंडेटरी नहीं है। आपका जो रिक्रूटर का जो क्वेश्चन और आपका जो आंसर टेक्निकल वे में रहना चाहिए वो प्रॉपरली 100% सही होना चाहिए, तो उसी के ऊपर लैंग्वेज का कुछ इश्यू नहीं आता है। बट आपको पता रहेगा आजकल जो ट्रेंडिंग मार्केट है आईटी जॉब हो, बीपीओ, केपीओ की टेक्निकल इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब हो, एमबीए का जो एचआर प्रोफाइल हो, मार्केटिंग प्रोफाइल हो, बिजनेस डेवलपमेंट हो, ये सब जो प्रोफाइल रहता है मैक्सिमम इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ जुड़ा रहता है, इसी में इंग्लिश में ही ज़्यादा इंटरव्यू होता है। तो आप इसी के वजह से क्या होता है रिक्रूटर जो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछते हैं आपको समझ में नहीं आता, नहीं तो आप बोल नहीं पाएंगे प्रॉपरली, तो वो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। वो क्वेश्चन एक पूछना चाहते हैं और आप कुछ अलग बोल रहे हैं तो उसी की वजह से गैप भी क्रिएट होता है। तो आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन थोड़ा डेवलप करना है। कोई शुरू से सब कुछ सीख के नहीं आता क्योंकि हमारा जो मदर टंग है लैंग्वेज है इंग्लिश नहीं है, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। आप कुछ मूवीज वगैरह रहता है, सीरीज वगैरह रहता है, वो इंग्लिश में दिखा कीजिए। आप न्यूज जो चैनल है वो इंग्लिश चैनल वगैरह दिखिए न्यूज का, तो आप उसमें से जो उनकी एसेंट है, स्पीकिंग वे है, उसमें दिख के आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। नहीं तो आप क्या कीजिए, आप घर में मिरर रहेगा तो उसके सामने भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह रीडिंग कीजिए, कुछ इंग्लिश बुक्स वगैरह रहता है नहीं तो कुछ नोवेल वगैरह रहता है तो उसको पढ़ाई कीजिए, तो उसी में आपको ग्रामर और कम्युनिकेशन भी डेवलप होता है। सिक्स्थ पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज। बहुत सारे ऐसे बंदे रहते हैं जब इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं कुछ भी पोस्चर में बैठे रहते हैं, ये नेगेटिव इम्पैक्ट आता है रिक्रूटर के ऊपर। आप माइंड उनका डाइवर्ट होता है और उसी में से आप कितने फ्रिकल हैं कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं उसी में से फील होता है। आपके जो बॉडी लैंग्वेज है प्रॉपर वे में रहना चाहिए, जो आपकी गिविंग पोजिशन है अच्छा रहना चाहिए। एक हम्बल बॉडी लैंग्वेज की पोस्चर पर आप बैठिए, थोड़ा सा स्माइल दे के आप बात कीजिए, जितना ज़रूरत है उतना आई कॉन्टैक्ट रख के बात कीजिए। तो ऐसे तरह बॉडी लैंग्वेज आप फॉलो करेंगे तो रिक्रूटर को इम्प्रेस कर सकते हैं और वो 100% तो सिलेक्शन में काम नहीं आता है, बट ये थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट जाके रिक्रूटर को इम्प्रेस करता है। तो आप वो बॉडी लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा फोकस। 7th पॉइंट है कंपनी प्रोफाइल, नोइंग अबाउट द कंपनी। तो कंपनी प्रोफाइल के बारे में जान के इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो रिक्रूटर जो पूछते हैं आपको कंपनी के बारे में कुछ पता है तो आप डिटेल बता सकते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है रिक्रूटर को फील होता है ये कैंडिडेट हमारा कंपनी के लिए इंटरेस्टेड है। जो बंदे इंटरेस्टेड रहते हैं रिक्रूटर उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ऐसे क्या रहता है, बहुत सारे हमें जब जॉब सर्च करते हैं तभी बहुत सारे कंपनी में अप्लाई करते रहते हैं, तभी हमें याद नहीं रहता कि कौन से कंपनी के लिए भेजे हैं और कौन से कंपनी के लिए इंटरव्यू देना है। तो जब भी आप मेल वगैरह चेक कीजिए, नहीं तो जो कॉल आएगा वो कंपनी के डिटेल्स थोड़ा फॉलो कीजिए, कंपनी कब स्टार्ट हुआ था, क्या प्रोफाइल है, क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या प्रोडक्ट है उनका, क्या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कि क्या करते हैं वो कंपनी, उसी के डिटेल्स थोड़ा स्टडी करके आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो इंटरव्यू भी जब रिक्रूटर उनकी कंपनी के रिलेटेड पूछते हैं तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें आप थोड़ा नॉलेज गेन करके इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, इंटरव्यू थोड़ा क्रैक करने के लिए इजी रहेगा और रिक्रूटर को भी आप इम्प्रेस कर सकते हैं। 8th पॉइंट है नॉट प्रिपेयर फॉर द क्वेश्चंस। आप जो कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो वो कंपनी के बारे में आप जान के जाएंगे, वो कंपनी क्या प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्शन करता है, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, उसी रिलेटेड आप जान के जाएंगे तो उसके क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो थोड़ा आइडिया आता है। जैसे कि एक ऑटोमेटिव कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो ऑटोमेटिव रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा और जो आपके रिज्यूमे में लिखा हुआ है, जो प्रोजेक्ट आपने मेंशन किए हैं उसी रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। जो आप एक्सपीरियंस मेंशन किए हैं आप उसी के रिलेटेड प्रॉपरली स्टडी करके जाएंगे तो आप जो क्वेश्चन आएगा उसका प्रॉपर आंसर दे सकते हैं। नहीं तो आप फ्रेशर रहेंगे, फ्रेशर लोगों को मैक्सिमम प्रोजेक्ट रिलेटेड पूछा जाता है जो कॉलेज में किए रहते हैं, नहीं तो ऐसे भी पूछा जाता है आपको कौन सा सब्जेक्ट इंटरेस्ट है उसी रिलेटेड ही पूछते हैं,
नहीं तो आप कोई इंटर्नशिप वगैरह किए हैं तो उसी रिलेटेड ही पूछते हैं। कॉमन क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट इज योर वीकनेस, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। आप थोड़ा उसके बारे में प्रॉपरली स्टडी करके जाएंगे तो आप वो जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर दे सकते हैं। मैं इसी के रिलेटेड भी दो वीडियो बनाए हैं, कॉमन क्वेश्चन के ऊपर, टेक्निकल के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है और क्या आंसर दे सकता है। आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो वगैरह देख के भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। नाइन्थ पॉइंट है बैड बिहेवियर। क्या क्या रहता है, कुछ कुछ कैंडिडेट क्या रहते हैं, क्वेश्चन आंसर रिक्रूटर जब पूछते हैं उसके कुछ अलग आंसर देते हैं और बिहेव जैसे करते हैं कि ये जो मैंने आंसर दिया है सही दिया है, आरोगेंटली बिहेव करते रहते हैं, सैलरी कुछ अलग टाइप का एक्सपेक्ट करते हैं, अलग अलग डिमांड रहता है उनका, ऐसे टाइप का आरोगेंट टाइप का बिहेव नहीं करना चाहिए, जिसके वजह से वो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। आप अच्छा टेक्निकल बंदे भी रहेंगे, आपका अच्छा इम्प्रेसिव रिज्यूमे भी रहेगा, बट आप उसी की वजह से रिजेक्ट होने की ज़्यादा चांसेस रहता है। तो थोड़ा क्या कीजिए, थोड़ा सा स्माइल करके पोलाइटली आप आंसर दीजिए, जो जो चीज़ आपको आता है वो आप आंसर दीजिए, जो नहीं आता है आप पोलाइटली नो बोल के ये चीज मुझे आता नहीं बोल के आगे प्रोसीड कर सकते हैं। टेंथ में जो पॉइंट है, रिक्रूटर पूछते रहते हैं डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो ये क्या रहता है, रिक्रूटर क्यों पूछते हैं, उनको दिखना रहता है कि कैंडिडेट कितना इंटरेस्टेड है, कैंडिडेट के मन में कुछ डाउट है कि नहीं, तभी आप ऐसे बोलेंगे कि नहीं हमें कुछ डाउट नहीं, हमें कुछ क्वेश्चन नहीं है। तो ऐसे टाइप का कैंडिडेट आप मत बनिए, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है क्वेश्चन पूछिए, एक कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनी में क्या मैक्सिमम प्रोजेक्ट रहता है, आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, क्या क्या आप अचीव करने वाले हैं, क्या क्या आप काम करने वाले हैं, इसे क्वेश्चन कुछ पूछे तो रिक्रूटर को फील होता है ये जो कैंडिडेट है ये अपने कंपनी में इंटरेस्टेड है, इसलिए इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो थोड़ा इंटरेस्ट होकर आपको आंसर देते हैं, और भी कुछ डिटेल्स रहता है तो वो भी आपको बताते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, रिक्रूटर थोड़ा इंप्रेस होकर आप थोड़ा टेक्निकल अच्छे आंसर दिया होंगे, ये पॉइंट की वजह से मैक्सिमम कंसीडर करते हैं आपको सिलेक्ट करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं मैंने ये जो 10 पॉइंट्स बताया, मैक्सिमम कैंडिडेट्स ये मिस्टेक करते रहते हैं, तो ये जो पॉइंट्स आप फॉलो कीजिए, आगे का भी इंटरव्यू देना रहेगा कि आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैंने ये जो मिस्टेक आपको बताया है आप वो मिस्टेक इंटरव्यू देने के टाइम मत कीजिए, आप थोड़ा फॉलो कीजिए ये मिस्टेक कैसे अवॉइड करें, क्या क्या आंसर दें, कैसे बात करें, कैसे बॉडी लैंग्वेज रख के आप इंटरव्यू देना है, ये सारी चीज फोकस करेंगे तो आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। और ये पॉइंट आपको अच्छा लगा तो आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं और एक नया टॉपिक के साथ, तब तक आप खुश रहिए, सेफ रहिए, बाय, टेक केयर।